स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों के लिए ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैं साथ साथ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया था, अब हम चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चा पार्टी, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई कोई भी गॉसिप्स नहीं करेगा। ओके, केयरफुली देखो बच्चा, क्योंकि यही गोल्डन टाइम है यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से ईयर्स में कौन सा क्वेश्चन आया था। ओके बच्चा पार्टी, 2011 में 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे इस चैप्टर से, सिर्फ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। 2012 में भी 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आया था, और 8 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन आए थे, और 2 मार्क्स वाले भी 1 क्वेश्चन आए थे बच्चा पार्टी, और 5 मार्क्स वाले भी 1 क्वेश्चन आए थे। मतलब आप लोग को पता लग ही रहा होगा किसका वेटेज कितना है। क्लास में शुभम, दीक्षा आप लोग प्रेजेंट हो ना, तो बच्चा पार्टी इसका वेटेज देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का वेटेज कितना है। मतलब चैप्टर एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है बच्चा पार्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अगर 2016 वगैरह को छोड़ के आप लोग 2018 से भी देखोगे तो 1 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स वाले भी 1 क्वेश्चन थे, और 2019 में देखो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे और 2 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स वाले नहीं थे। वहीं पे अगर आप लोगों को 2020 का देखा जाए तो 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। 2022 में 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए थे। ओके, दैट्स व्हाई बच्चा ये एग्जाम ऑफ व्यू से मार्क्स गेन करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दैट्स व्हाई हम लोग टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलो बच्चा पार्टी, ज्यादातर आपको मोस्ट सिर्फ 5 इयर्स का देखना है, सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स के ही क्वेश्चन बैंक को देखना है, उसके पीछे नहीं जाना है। ओके, सिर्फ 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना है आपको। ज्यादा अगर बहुत मन करे तो 2017 से देख लेना, नहीं तो 2018 से लेके और 22 तक का ही क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ओके, उसके बैक का नहीं आता है, लेटेस्ट 5 इयर के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके बच्चा पार्टी, चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और जल्दी जल्दी हम लोग अपना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं। आर यू रेडी? चलो बच्चा, पहले मैं आप लोग को माइंड मैप के थ्रू पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, कहीं भूले भटके होंगे तो याद आ जाएगा। ओके, सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है ना, हीर क्लास में हो ना बच्चा, गॉसिप्स नहीं करना है। ओके चलो, इस माइंड मैप के थ्रू आपको चैप्टर्स का आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या इस चैप्टर के व्यू से एग्जाम और व्यू से इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ह्यूमन के बॉडी से रिलेटेड बातें हमें पढ़नी है कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसका बॉडी फंक्शन क्या है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एसोसिएटेड ग्लैंड, बच्चा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के भी बारे में जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं। ओके, जैसा कि टेस्टिस हो गया, एपिडर्मिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, यूरिथेरिया हो गया, पेनिस हो गया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हो गया, ठीक है, और इसके पार्ट कौन कौन से है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के पार्ट क्या है, सेमिनल वेसल, प्रोसेस्टा ग्लैंड और ब्लू वेट्रल गैंडल, ठीक है। ग्लैंड ये क्या है बच्चे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें से आपको मेल रिप्रोडक्टिव में से आपको पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है मेल का, तो बच्चा टेस्टिस, एपिडर्मिस, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओके, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के भी बारे में जानेंगे। बच्चा ये चैप्टर एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 मार्क्स के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्शन का डायग्राम थ्रू आपको पूरा अच्छे से ब्रीफ में बताना हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ब्रीफ में बताना हो। ओके, गॉसिप्स नहीं करना है, ध्यान देना है यहाँ पे। विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एसोसिएटेड ग्लैंड है बच्चा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेजीना, सिट्रेक्स, यूट्रेस, ओविडक्ट एंड ओवेरी, ये सारे क्या है, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ओके, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब आ जाओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी है और उसके फंक्शन भी है। ओके,
जैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है बच्चा सेमिनिफेरस ट्यूबल वास एफ्रिनिया एपिडर्मिक्स, ठीक है। उसमें कुछ फंक्शंस क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट के आपस में फ्यूजन होने के बाद नया जाइगोट कैसे फॉर्मेट करता है, स्पर्म की क्या कैपेसिटी होती है, क्या कैपेबिलिटी होती है, क्या कैपेसिटी होती है, हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे, ओके। सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन कैसे सिक्रेशन का वर्क करता है, किसके अंदर, मेल सेक्स और हार्मोन के अंदर, ओके। यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जानेंगे कि मेल सेक्स हार्मोन कैसे वर्क करता है। यू गेट इट माई पॉइंट, दीक्षा, प्रेम, शुभम, समझ में आ रहा है ना बच्चा? ये माइंड मैप सिर्फ आपको ये रिकॉल करवाता है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सिर्फ आपको अभी याद आ जाए, आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, वेजिना, सिट्रेक्स, यूट्रस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या पढ़ना है। बच्चा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बाद इसके भी कुछ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरी, जिसके फंक्शन में है ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें भी एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन का हार्मोन सेक्रेशन कैसे होता है, जब बच्चा पेट में होता है तो कैसे उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है इम्ब्रियो शेक के थ्रू, ओके, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या होता है, ओवेरियन फॉलिसल्स क्या होता है, फॉलिस्ट क्या होता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चा ओवेरियन फॉलिस्ट जो है उसके अंदर बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, बच्चों का बेबी ग्रोथ जो स्टोमक के अंदर होता है एट मंथ पीरियड कंप्लीट करने के बाद जो बच्चा आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, उस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलो तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माइंड मैप तो हमने देख लिया है, ओके। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, ओके? आज सबको भी पता होगा, है ना पता, शुभम, हीर, दीक्षा, प्रिंस, बताओ बच्चा पता है ना रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, टेल मी रिप्रोडक्शन क्या है। चलो तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ओके। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन बच्चा पढ़ एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। बच्चा रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी हो वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है देयर आइडेंटिकल, अपना बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटेशंस ऑफ रेस, कंटिन्यूटेशंस ऑफ रेस के दौरान, मतलब अपनी चलती हुई जिंदगी के दौरान, कोई भी रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिकल यंग वंस को जन्म देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बच्चा ये बिल्कुल मेरी लैंग्वेज में और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इन सारी चीजों को रेडी किया है, दैट्स व्हाई आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं, आप मेरे साथ अभी इसको एक बार रिवाइज करोगे, दैट्स व्हाई क्लियर हो जाएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। मैं एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, इस पे बार बार क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ओके। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चा पार्टी बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है फॉर कंटिन्यूटेशन ऑफ रेस, रेस अपनी मतलब जिंदगी जो है जिंदगी को व्यतीत करे उसी दौरान वो क्या करता है किसी ऑर्गेनिज्म को यंग वंस को आइडेंटिकल कॉपी को जन्म देता है, दिस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन, ओके। आज आ जाते हैं टेस्टिस पे, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस इज अ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस क्या है बच्चा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओके, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एग्जाम में ये एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, मेल इज अ प्राइमरी सॉरी टेस्टिस इज अ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन विच मेल गैमेट स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस। बच्चा टेस्टिस ऐसा पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल का जिसके अंदर ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म अपनी जगह कहाँ लेता है, टेस्टिस के अंदर ही लेता है, ओके। स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, टेस्टिस के थ्रू ही, स्पर्म को वेस्ट करो या यूज करो बट वो टेस्टिस के थ्रू ही होता है, ओके। अब आ जाओ इनर्शियल सेल क्या होता है, इंटर्शियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेआइडिंग सेल। बच्चा इस सेल को लेआइडिंग सेल भी बोलते हैं, बाय विच सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जिसके थ्रू मेल सेक्स हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, रिलीज होता है।
एंड्रोजन टेक प्लेस, और यहीं पे एंड्रोजन क्या करता है, अपनी जगह लेता है। ओके, इनर्शियल सेल्स क्या है बच्चों, वो एक लेडिंग सेल है जो मेन जो मेन के सिक्रेशन मेल हार्मोन है, जहां पे एंड्रोजन क्या करता है, अपनी जगह लेता है। ओके, अब आ जाओ प्रोटेस्टा ग्लैंड। प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या है बच्चों, दिस इज अ मेन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। बच्चा ये एक मेन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ऑफ मेल विथ सिक्रेशन ऑफ प्रोटेस्टिक फ्लूड। जो मेल क्या करता है, सिक्रेट करता है बच्चा। मेल हार्मोन्स के अंदर भी बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं जो टेस्टिस के थ्रू मेल भी सिक्रेट करते हैं। जैसे हम गर्ल्स पीरियड के दिनों में परेशान होती है, पीरियड से जूझती है, वैसे मेल को भी बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन सहना पड़ता है। जैसे कि हो गया आपको प्रोटेस्टिक फ्लूड जो मेल के टेस्टिस के थ्रू सिक्रेट होता है। ओके, दिस फ्लूड इज अ मिल्की एसिडिक। ये मिल्की टाइप का होता है, दूधिया टाइप का, जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है उस टाइप का होता है। एसिडिक टू मेक स्पर्म फंक्शनल। जो एसिडिक क्या करता है, स्पर्म को फंक्शनल बनाने में हेल्प करता है। अगर वो नहीं गिरेगा तो मेन का टेस्टिस इतना एक्टिव नहीं होगा। ओके, दैट्स व्हाई वो स्पर्म का सिक्रेट होना बहुत जरूरी है। प्रोटेस्टा ग्लैंड में जो मेन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चा, उसके अंदर प्रोटेस्टिक फ्लूड का सिक्रेशन होना बहुत जरूरी है। ये फ्लूड मिल्की होता है एंड एसिडिक होता है टू मेक स्पर्म फंक्शनल। जो स्पर्म को क्या बनाता है, फंक्शनल बनाता है। ओके, आप आ जाओ काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड क्या है वो देखेंगे। इट इज अ वन पेयर ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड। बच्चा ये एक पेयर है मेल एसेसरी ग्लैंड का, प्रेजेंट बिलो प्रोटेस्टिक ग्लैंड। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ही एसेसरी ग्लैंड के नीचे, प्रोटेस्टिक ग्लैंड के पास प्रेजेंट होता है। इट्स सिक्रेशन इन एल्कलाइन टू प्रोटेक्ट स्पर्म। बच्चा ये एल्कलाइन को सिक्रेट करता है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एसिडिक मीडियम ऑफ यूराइन। बच्चा मेल को, जो बॉयज होंगे उनको आई थिंक पता होगा, जो एडल्ट बॉयज होंगे जब वो यूरिन के थ्रू उनके पास से एक एसिडिक मीडियम निकलता है जो एल्कलाइन टाइप का होता है, उसका सिक्रेशन होता है स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। बच्चा अगर वो सिक्रेट नहीं करेंगे तो उसके थ्रू स्पर्म नहीं निकलेगा तो हम लोगों के पास मतलब ये जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। मेल का स्पर्म गर्ल्स के ओवम के जाते ही फ्यूज होता है तो एक बेबी यंगवंस का जन्म होता है। दैट्स व्हाई बच्चा वही स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए काउपर ग्लैंड क्या करता है, बिलो होता है किसके नीचे, एसेसरी ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रोटेस्टिक ग्लैंड के पास प्रेजेंट होता है, जो अल्कलाइन को सिक्रेट करने में हेल्प करता है। ओके, आ रहा है ना दीक्षा, हीर, प्रिंस, सलोनी, समझ में आ रहा है ना बच्चे, एमडी आपको भी। चलो तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा स्पर्म क्या होता है, इट इज अ माइक्रो, एक मिनट बच्चा आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, स्पर्म क्या होता है, एक मिनट, ये देखो हम लोग स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। स्पर्म क्या होता है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक हैप्लॉइड सेल कॉल्ड मेल गैमेट। बच्चा एक प्रकार का ये माइक्रोस्कोपिक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, क्या है बच्चा, हैप्लॉइड सेल है किसका, मेल गैमेट का। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन सेमी फ्यूरियस ट्यूबल। बच्चा जो स्पर्म अपनी जगह लेता है वो कहाँ लेता है, सेमी फ्यूरियस ट्यूबल्स में। ओके, स्पर्म क्या है बच्चा, एक माइक्रोस्कोपिक हैप्लॉइड सेल है। ओके, कॉल्ड मेल गैमेट, जिसको क्या बोला जाता है, मेल गैमेट बोला जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, टेक प्लेस इन सेमी फ्यूरियस ट्यूबल, वो कहाँ पे अपनी जगह बनाता है बच्चा, सेमी फ्यूरियस ट्यूबल में अपनी जगह बनाता है। ओके, चलो अब आ जाते हैं सीमेन। सीमेन क्या होता है, ठीक है, इट इज अ सिक्रेशन ऑफ मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। बच्चा ये क्या सिक्रेट करता है, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को सिक्रेट करता है एंड स्पर्म, साथ में किसकी सिक्रेशन करता है, स्पर्म की सिक्रेशन करता है। विच इज डिस्चार्ज थ्रू यूथ्रल ओफ्राइन एंड एंड ऑफ अ कॉप्यूलेशन। बच्चा देखो सीमेन का सिक्रेशन मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू होता है या ग्लैंड के थ्रू होता है, जिसके साथ स्पर्म भी होता है। विच इज अ डिस्चार्ज थ्रू यूथ्रल ओफ्राइन। बच्चा ये ओरिफाइस जो है आपको जब बॉयज वगैरह वॉशरूम वगैरह जाते हैं उसके थ्रू ये डिस्चार्ज होता है। आई थिंक इसमें टेस्टिस के थ्रू ही डिस्चार्ज होता है। ओके, एंड ऑफ कॉप्यूलेशन, जब कॉप्यूलेशन का एंड हो जाता है तब ये क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको नाइट फ्लो भी बोलते हैं। द सेमिनल फ्लूड विदाउट स्पर्म इज कॉल्ड अ सेमिनल प्लाज्मा। बिना सेमिनल फ्लूड के स्पर्म को क्या बोला जाता है, सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट।
बच्चा ये 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पर्म या सीमेन या प्रोटिस्टा ग्लैंड या कुछ भी बच्चा, ये 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। दैट्स व्हाई ध्यान से आप लोग देख लो। उसके बाद बच्चा विदाउट सेमिनल फ्लूड के जो स्पर्म होता है उसको सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है, ओके। अब आ जाओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इन इंक्लूड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वही है जिसके अंदर बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जुड़े हुए होंगे, इंक्लूड होंगे, या कोई भी ग्लैंड एसोसिएट होगा उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, उसी को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे, ओके। टेस्टिस वर्क एज अ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चा टेस्टिस कैसे वर्क करता है? मानो वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ओके। वेयर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, और वो किसकी फॉर्मेशन देता है? मेल गैमेट की फॉर्मेशन देता है, जस्ट लाइक अ स्पर्म। एंड मेल सेक्स हार्मोन किसकी फॉर्मेशन देता है? टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। बच्चा समझ में आ रहा है ना? टेल मी। बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला ऑर्गन जो है आपका वो है टेस्टिस, जो क्या वर्क करता है? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्प करता है। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, ये सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, ओके। ये फॉर्मेशन देता है मेल गैमेट के थ्रू स्पर्म का, और मेल सेक्स हार्मोन किसकी फॉर्मेशन देता है? टेस्टोस्टेरोन का, ओके। चलो तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके। सर्टोली सेल आर फाउंड इन। बच्चा दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, 2017 में भी और 2021 में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ओके। बच्चा पार्टी, तो सब लोग तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सर्टोली सेल आर फाउंड इन टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस या लीवर। कम ऑन दीक्षा, हीर, प्रिंस, रिशु, एमडी, सब जवाब दो इसका। शुभम आप भी। बच्चा सर्टोली सेल आर फाउंड इन टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस, लीवर। सर्टोली सेल कहाँ ढूंढा जाता है? टेस्टिस में, यूट्रस में, ओवरी में या लीवर में? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन में? वेरी गुड बच्चा पार्टी, टेस्टिस इज अ राइट आंसर। ए को लॉक करो, ए इज अ राइट आंसर। सर्टोली सेल कहाँ फाउंड होता है? टेस्टिस में, ओके। चलो वेरी गुड बच्चा पार्टी। इसी तरीके से आप लोग को टेंशन नहीं लेना है बच्चा, मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको फिनिश करवा दूंगी, ओके। दैट्स व्हाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं जो करवा रही हूँ अगर आप उतना भी कर लेते हो, यू कैन मतलब आप क्या बोलूं मैं आपको, आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके। इट इंक्लूड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। बच्चा देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर भी या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स की बात होंगी और बहुत सारे ग्लैंड की बात होंगी, क्योंकि ग्लैंड अलग हार्मोन रिलीज करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग सेक्रेशन करते हैं, ओके। ये चीज तो क्लियर है ना बच्चा कि ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या सिक्रेशन करते हैं? बच्चा ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी स्ट्रक्चरल बॉडी के अंदर सिक्रेशन का काम करते हैं, वो भी रिप्रोड्यूसिंग का काम करते हैं, ओके। अब देखो, ओवरी वर्क एज अ प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चा ओवरी क्या है? एक प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे टेस्टिस मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, ओके। वेयर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, वो किसकी फॉर्मेशन देते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट की फॉर्मेशन देते हैं, जैसे ओवम। और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन की क्या देते हैं? फॉर्मेशन देते हैं। तो हमेशा बच्चा ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट सिक्रेट करते हैं, सिक्रेशन काम करते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन देते हैं। सॉरी, गैमेट सिक्रेट नहीं होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। और सेक्स हार्मोन क्या होता है? सिक्रेट होता है। यू गेट इट माई पॉइंट?
बच्चा इसी प्रकार से आप लोग को बार बार मैं बता रही हूँ कि बार बार इस चैप्टर पे फोकस करना है, क्योंकि यही सारे चैप्टर्स है जो मार्क्स को गेन करवाने में या मार्क्स को ऊपर उठाने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। ओके बच्चा पार्टी, चलो तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बच्चा? ओवरी। ओवरी क्या है बच्चा? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, जो क्या फॉर्मेशन देता है? ओवम की फॉर्मेशन देता है, जिसके अंदर हमारा स्पर्म जा, हमारा ओवम होता है और बॉयज का स्पर्म होता है, जो सेक्स करने के दौरान अंदर जाता है और क्या करता है, वो एक लिक्विड सा पार्ट होता है बच्चा, चिपचिपा सा, और वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने सारे फ्यूजन्स, इतने सारे उसके अंदर छोटे 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 फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं कि उसमें से एक भी इम्ब्रियो सैक में जाके अगर लीक किया तो क्या हो जाएगा, हम लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ओके, एंड सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन को सिक्रेशन करता है। ओके, अब आ जाओ बच्चा पार्टी यहाँ पे। ग्राफिन फॉलिस इज अ मैच्योर फॉसिल फॉलिस इन विच ओवम इन इज अ सेकेंडरी ओसाइट स्टेज अरेस्टेड इन मियोसिस। बच्चा देखो, ये ग्राफिन की बात कर रहा है, वो एक मैच्योर फॉलिसल है जो क्या करता है, ओवम के अंदर सेकेंडरी ओसाइट स्टेज को कवर करता है। ओके, जैसे मान लो प्रेगनेंसी के दौरान कितने लोगों को मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस कारण हो पाता है बच्चा, क्योंकि जैसे ही आपका जो बेबी होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू जैसे ही नीचे की तरफ घूम जाता है, किसी का बेबी उल्टा पैदा होता है ना, उसी दौरान क्या करता है ये ग्राफिकल फॉलिस, क्या करता है, मैच्योर होके तैयार रहते हैं सेकेंडरी ओसाइट स्टेज को कवर करने के लिए। ओके, इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है मियोसिस के अंदर। ओके, अब बात करेंगे ओव्यूलेशन का। ये ओव्यूलेशन एग्जाम ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, रिलीज ऑफ ओवम इन सेक, जब सेकेंडरी ऑर्गन कह रही हूँ, जब ओवम का रिलीज होता है, सिक्रेशन होता है ओवम का, ओसाइट स्टेज बाय डिफ्यूचर ऑफ ग्राफिकन ऑन प्यूबर्टी। बच्चा जब ओवम का सिक्रेशन होता है तो ओसाइट इज इट क्या करते हैं, डिफ्यूचर करने के लिए बिल्कुल पोवर्टी लाइन पे तैयार होती है। ओके, फर्टिलाइजेशन इन एम्यूफ्लरी रीजन। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब एम्यूफ्लरी रीजन के दौरान हम गुजर रहे होते हैं, तब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन का क्रिया होता है। डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टिल प्रेगनेंसी इन यूट्रस। जब बच्चा एग का फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब हमारी प्रेगनेंसी किसके दौरान होती है, यूट्रस के दौरान होती है, मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी हम कंसीव कर चुके होते हैं, तब एग का फर्टिलाइजेशन होना, डेवलपमेंट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ओके, वेजिना इज द फीमेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। वेजिना क्या है बच्चा, एक फीमेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, जो आप लोग देखोगे कि हम गर्ल्स को भी एक प्रॉब्लम होती है कि एक व्हाइट कलर का लिक्विड चिपचिपा सा पदार्थ हम सिक्रेट करते हैं, वो क्या करता है बच्चा, हमारे ओवम्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई वो व्हाइट पाइप का भी रिलीज होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चा पार्टी, बताओ ये सारे पॉइंट्स क्लियर है ना आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवेरी। ओवेरी किसकी फॉर्मेशन देता है, फीमेल गैमेट में ओवम की, और सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन की, ठीक है। ओव्यूलेशन के ध्यान क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब हमें प्री रीजन में होते हैं, ठीक है। ओवम कब सिक्रेशन करता है, जब डिफ्यूचर करने के लिए प्यूबर्टी लाइन पे हम तैयार होते हैं। डेवलपमेंट कब होता है, जब हम टिल प्रेगनेंसी के दौरान कंसीव कर चुके होते हैं प्रेगनेंसी। ओके, वेजिना एक क्या है, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। ओके चलो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। ग्राफियन फॉसिल्स इज फाउंड इन, ग्राफियन फॉसिल्स कहाँ फाउंड होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, ग्राफियन फॉसिल कहाँ फाउंड होता है, टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बींग, ओवरीज ऑफ ह्यूमन बींग, लीवर ऑफ ह्यूमन बींग, या ओवरीज ऑफ फ्रॉग, टेल मी बच्चा पार्टी कहाँ होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, ये किसके अंदर होता है, ग्राफियन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस, ओवरी, लीवर या ओवरीज। बच्चा पहली बात तो हमने यहाँ ह्यूमन की बात करी है, तो ओवरीज ऑफ फ्रॉग तो हो ही नहीं सकता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर प्रेजेंट होता है तो टेस्टिस हो नहीं सकता है, और लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, टेल मी, बी को लॉक करो, बी इज अ राइट आंसर, वेरी गुड।
ग्राफियन कहाँ फाउंड होता है? ओवेरीज ऑफ ह्यूमन बींग. कहाँ फाउंड होता है बच्चा पार्टी? ओवेरीज ऑफ ह्यूमन बींग. बी इज अ राइट आंसर. बच्चा पार्टी एग्जामिनर इसी तरीके से आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, पर मेरे बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है. आपको पहले तो जो रॉन्ग आंसर है उनको देखना है कि रॉन्ग आंसर उनसे हटा लो. जो आपको दो तीन चार ऑप्शंस रहते हैं उसमें से आपको पहले पता लग जाएगा कि दो रॉन्ग है और दो में कंफ्यूजन होता है हमेशा. उन दोनों में सोचो, दिमाग लगाओ कि कौन मेरा राइट आंसर होगा. ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस किससे रिलेट करता है? टेल मी, यूट्रस किससे रिलेट करता है बच्चा पार्टी? ये क्वेश्चन आपको 2019 में ही नहीं, 2016 में, 17 में, 2022 में भी पूछा गया था, बट मैंने सिर्फ एक ही साल को मेंशन किया है. ओके बार बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, तो मैंने सिर्फ वन टाइम ही रिपीट किया है. बार बार एक क्वेश्चन को तो रिपीट नहीं कर सकती हूँ, बट ये बार बार जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है. ओके यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस किससे रिलेटेड होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, या ऑल ऑफ दीज से? टेल मी बच्चा पार्टी, यूट्रस किससे रिलेटेड होता है? कम ऑन दीक्षा, शुभम, प्रिंस, एमडी ही बताओ बच्चा, यूट्रस किससे रिलेटेड होता है? टेल मी. वेरी गुड बच्चा पार्टी, बी इज अ राइट आंसर. बी को लॉक कर देते हैं. बी क्या है? राइट आंसर है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यूट्रस रिलेटेड होता है. ओके चलो वेरी गुड. इसी तरीके से आप अगर एग्जाम में आंसर दोगे आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करोगे. ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय योर हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम. बच्चा पूरे लाइफ टाइम में एक हेल्दी वुमेन जो होती है वो कितने एग प्रोड्यूस करती है? टेल मी, एक हेल्दी वुमेन अपने पूरे होल लाइफ में कितने एग प्रोड्यूस करती है? 4000, 400, 40 या 365? कमॉन शुभम, प्रिंस, दीक्षा, हीर बताओ, सारे बच्चे बताओ, एक हेल्दी वुमेन पूरे लाइफ टाइम में कितने एग प्रोड्यूस करती है अपने होल लाइफ टाइम में? वेरी गुड बच्चा पार्टी, बी इज अ राइट आंसर. 400 एग प्रोड्यूस करती है. ओके टोटल नंबर ऑफ एग कितने प्रोड्यूस करती है एक हेल्दी फीमेल ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम? पूरे होल लाइफ टाइम में 400 एग ही प्रोड्यूस करती है एक हेल्दी वुमेन. ओके वेरी गुड. चलो बच्चा पार्टी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन. फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? इंटरनली किसके अंदर निषेचन होता है? स्टार फिशेस, शार्क, एम्फीबियंस या बॉनी फिशेस? टेल मी बच्चा बताओ, टाइम स्टार्ट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, निषेचन क्रिया, आंतरिक निषेचन क्रिया किसके अंदर होता है? स्टार फिशेस में, शार्क में, बॉनी फिशेस में या एम्फीबियंस में? टेल मी. वेरी गुड बच्चा पार्टी, बी को लॉक करो. बी इज अ राइट आंसर. शार्क के अंदर ही बच्चा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. आंतरिक निषेचन क्रिया किसके अंदर होता है? शार्क के अंदर होता है. वेरी गुड. चलो बच्चा पार्टी तुम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बस इसी तरीके से आपको आंसर देना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट होता है बच्चा. अब आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे. Draw a bell level diagram. एक मिनट बच्चा पार्टी. Fertilization internally in shark के अंदर होता है. ओके अब आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे. Draw a level diagram of transverse sections of human female ovary showing different stages. बच्चा आपको एक फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बताना है बनाकर, जिसके अंदर अलग अलग स्टेज को शो करना है. ओके दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू. ये बार बार हर इयर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ यू से. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा. अगर आपको टेंशन नहीं लेना है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी के होते हैं बट उनका डायग्राम अच्छा नहीं होता है.
आपको यहाँ डायग्राम सजाने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ डायग्राम को अच्छे से लेवल करना है। नेम की स्पेलिंग राइट होनी चाहिए और जो चीज जिस जगह पे है उसका नाम सही लिखना है, उसके नंबर मिलते हैं, डायग्राम सजाने के नंबर नहीं मिलते बच्चा पार्टी। चलो तो इसका आंसर देखते हैं। और एक लेवल डायग्राम है बच्चा, किसका? फीमेल का, फीमेल ट्रांसवर्स सेक्शंस का, ओके, जिसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिकन, ब्लड वेसल, कॉर्टिपस और रिलीज्ड ओवम क्या किया गया है, शो किया गया है। ये डायग्राम आप गलत भी बनाओगे और ऐसे ऐसे की जगह ऐसा भी कर दोगे, बट आपका नेमिंग राइट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बच्चा नेमिंग और इसको बोलते हैं लेवल। ये डायग्राम को लेवल करना है अच्छे से और नेमिंग की स्पेलिंग राइट रखनी है। ओके, आ रहा है समझ में दीक्षा, शुभम, प्रिंस, आप सभी को बोल रही हूँ, आ रहा है समझ में? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ बेल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। आपको बेल लेवल डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ड्रॉ करना है। आपको इसमें पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही बताना है। क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? टेल मी दीक्षा, शुभम, प्रिंस, हीर, बताओ, सोनाली, मेघा, क्या क्या होता है बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास? वेजीना, सिट्रेक्स, यूट्रेस, यही होता है ना। इसको क्या करना है? डायग्राम के थ्रू बताना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। चलो तो इसका भी आंसर देखते हैं बच्चा पार्टी। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है बच्चा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चा, ये एग्जाम में हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं बच्चा। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखो फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये क्या होता है बच्चा, ये चीज क्या होता है? यूट्राइन फंड्स होता है। क्या होता है? यूट्राइन फंड्स होता है। और ये जो वेजीना के अंदर जाने वाला पार्ट है इसको यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, ओके। और ये अंडाशय को ओवरी बोलते हैं, ये आप सबको पता है। अंडा जिसके थ्रू जाता है उसको क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं बच्चा। इस जिसके थ्रू जो अंडा जाता है इसको क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये यहाँ पे नहीं दे रखा है बट मैं आपको बता देती हूँ, जिस ट्यूब के थ्रू अंडाशय जाता है उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओके। ये जो कैविटी वाला पार्ट है बच्चा पार्टी, इसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को जिसके थ्रू हम वॉशरूम वगैरह करते हैं, यूराइन को रिलीज करते हैं, वो क्या होता है? सर्विक्स होता है। उसके अंदर वाले पार्ट को सर्विनल कैनल बोलते हैं। और जहां पे प्यूबिक हेयर आ जाता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेजीना बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? वेजीना बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको एम्यूपिला, फ्यूनल, ये सब जो दिख रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये पार्ट है और ये है। ये गर्ल्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके। आपको सिर्फ इतने को ही शो करना है, ये सब नहीं भी शो करोगे तो चलेगा, ओके। बोलो बच्चा पार्टी, समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चा लेवल डायग्राम के थ्रू, स्केच के थ्रू आपको पूरे होल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्क्राइब कैसे किएंगे? देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। बच्चा पता ही है स्पर्मेटोजेनेसिस से, स्पर्मेटोजेनेसिस ही समझ में आ रहा है कि स्पर्म से रिलेटेड कोई बात होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बच्चा जिसके दौरान स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। दैट टेक्स प्लेस इनसाइड अ टेस्टिस, जो किसके कहां अपनी जगह बनाता है? टेस्टिस के इनसाइड अपनी जगह बनाता है। ऐसा समझ लो कि टेस्टिस में ही अपनी जगह बना लेता है। दिस टेक्स प्लेस इन अ वेरियस स्टेज हैज सच। ये सारे बहुत सारे स्टेज पे अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, पर स्पर्मेटोजेनेसिस ही क्या करता है? टेस्टिस की फॉर्मेशन देता है, स्पर्म की फॉर्मेशन देता है टेस्टिस के थ्रू, ओके। और ये टेस्टिस में अपनी जगह बना लेता है।
अब आ जाओ इसका पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसका पहला फेज क्या है बच्चा? मल्टीप्लिकेशन फेज। आपका जो टेस्टिस का पहला फेज है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। बच्चा ये 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। व्हेन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोजेनिया स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम अ जर्मिनल एपिथेलमिक टेक प्लेस। बच्चा मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है उसके दौरान बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है जर्मिनल एपिथेलम के दौरान, ठीक है, जो कहा अपनी जगह बना लेती है जर्मिनल एपिथेलम के जगह पे क्या बना लेती है? अपनी जगह बना लेती है। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब आ जाओ, एक मिनट बच्चा पार्टी, ग्रोथ फेज कौन सा होता है? ड्यूरिंग विच ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टेक प्लेस इंटू अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चा जब स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ फेज होता है उसी समय प्राइमरी स्पर्मेटोकाइट क्या करती है? अपनी जगह बना लेती है। किसके दौरान? ग्रोथ के दौरान। किसके ग्रोथ फेज के दौरान? स्पर्मेटोगोनिया के ग्रोथ के दौरान, ओके। आ जाओ मैट्यूरेशन फेज। मैट्यूरेशन फेज क्या होता है? ड्यूरिंग विच फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हो रही होती है उस समय स्पर्मेटाइट्स आर फाइनली स्पर्म टेक प्लेस। वहां पे स्पर्मेटाइट्स क्या कर लेती है? फाइनली अपनी जगह बना लेती है, ओके। ड्यूरिंग विच फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उस समय क्या हो रहा होता है? स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हो रही होती है, ओके। यू गेट इट माई पॉइंट बच्चा? स्पर्मेटोसाइट क्या कर लेती है? फाइनली स्पर्म पे अपनी जगह बना लेती है। आप लोगों को पता चल गया है ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने फेस होते हैं? 3 फेस होते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। जब वो मैच्योर हो जाता है उसी को मैच्यूरेशन बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, मैच्यूरेशन फेज बोला गया है। जब वो मैच्योर हो जाता है उसके दौरान क्या हो जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है, ओके। जहाँ पे स्पर्मेटाइट क्या कर लेते हैं? फाइनली स्पर्म पे अपनी जगह बना लेते हैं, ओके बच्चा पार्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके प्रोसेस के अंदर किसकी फॉर्मेशन देता है? स्पर्म की फॉर्मेशन देता है, ओके। चलो बच्चा पार्टी, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने अभी डिफाइन किया था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम है। ये सारे क्या है? देखो यही सारे तो स्पर्म है जो स्पर्म अंदर जाके फ्यूज करते हैं। पहले देखो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस को यहाँ 2N से रिप्रेजेंट किया गया है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये N और N में और फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, 2N ये N और N में डिवाइड हो जाते हैं। देन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है? ये N और N को N में डिवाइड कर देता है और ये भी डिवाइड हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं, तुरंत ही अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप 3N को भी लेते तो यहाँ पे 3N क्या करता? यहाँ पे 1N और 1N में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने 3N को लिया, 3N क्या कर रहा है? हमारे प्राइमोडियल जर्म सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। ये 3N क्या करेगा बच्चा? 1N 3N में स्प्लिट हो जाएगा। और ये 3N क्या करेंगे बच्चा पार्टी? ये फटाफट स्पर्म्स के थ्रू क्या कर जाएंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू ये फटाफट स्पर्म में चेंज हो जाएंगे। स्पर्म का ये डायग्राम है, ये क्या है बच्चा? इसका हेड है, ये मिड पीसेस है और ये टेल है। स्पर्म का भी डायग्राम एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। क्या है बच्चा? एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ड्रॉ अ नीट क्लीन एंड वेल लेवल डायग्राम। बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल लेवल किया हुआ। लेवल का मतलब ही होता है बच्चा अच्छे से लेवल कर देना, आउटलाइन। लेवल का मतलब होता है आउटलाइन, मतलब आउटलाइन करके उसका नेम देना है, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ह्यूमन बींग में राइट द फंक्शन ऑफ इट डिफरेंट पार्ट, और सारे पार्ट के आपको फंक्शन भी लिखने हैं। एक साफ सुथरा डायग्राम बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और उन सारे पार्ट को लेवल करना है और एक एक पार्ट को क्या करना है? डिफाइन करना है, ओके। कम ऑन बच्चा पार्टी, चलो तो हम देखते हैं कैसे डायग्राम बनाएंगे और 1-1 पार्ट्स को लेवल करेंगे।
बच्चा ये वही डायग्राम है, इसको दिमाग में ना छाप लो, जैसे फोटो कॉपी करवा लेते हो ना दुकान से, वैसे बस ब्रेन में फोटो कॉपी कर लो इस डायग्राम को और इसके नेम को। ओके, आप देखो फीमेल्स के ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है। बच्चा ये 2 मार्क्स में भी आपका बहुत हेल्प करेगा, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, कभी आपसे पूछ लेगा। डिफाइन द फंक्शन आपको दे देगा, ड्रॉ अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ ओविडक्ट वेजीना और यूट्रस। कभी आपको 3 पार्ट दे देगा, कभी आपको सारे कहेगा, तो आपको इन सब पार्ट्स को याद रखना है। ये 2 मार्क्स में भी बोल सकता है आपको डायग्राम के साथ 2 पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी? तो देखो ये डिफरेंट फंक्शन है ऑर्गन्स है, किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। किसके है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। इसके अंदर ओवरी क्या होता है? इट विच ओवम टेक प्लेस, जहां पे ओवम अपनी जगह बना लेता है उसे को ओवरी कहते हैं। ओके, उसे के अंदर फीमेल का स्पर्म जाता है और इसको ओवम क्या कर लेती है? कैप्चर्स कर लेती है ओविड सेक्स के दौरान। ओविडक्ट क्या होता है बच्चा? इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ये ऐसा साइट है जहां पे ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे बच्चा मेल और फीमेल अगर दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हो, दोनों सेक्स कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, मेल का फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म जाता है, वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, यूट्रस क्या है? इन विच फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, जहां पे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बच्चा, टेक प्लेस टिल बर्थ ऑफ चाइल्ड, जहां पे बच्चे का जन्म का पता लगता है, जहां पे क्या होता है फर्दरी इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जन्म होता है, बर्थ का जो चाइल्ड का जन्म जो होता है, उस टाइम का जो दौर होता है, समय होता है, जो डेवलपमेंट होता है इम्ब्रियो के अंदर, वो सारे प्रोसेस कहां पे कंप्लीट होते हैं? यूट्रस के अंदर। ओके, वेजीना क्या है? इट इज द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन वेयर सीमेन इज डिपॉजिट। बच्चा सीमेन हम उसको बोलते हैं जो व्हाइट व्हाइट पार्ट आप हम गर्ल्स को रिलीज होता है, उसको हम सीमेन बोलते हैं, जो वेजीना के थ्रू होता है। ओके, इट इज अ फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सीमेन डिपॉजिट एंड ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान बहुत सारे सीमेन क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है, जो व्हाइट व्हाइट वाले पार्ट होते हैं। ओके बच्चा पार्टी, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? डिस्क्राइब द डिफरेंट चेंज ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग इन अ वुमेन। बच्चा व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और हमें उसको डिस्क्राइब करना है, डिफरेंट चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग इन अ वुमेन। बच्चा पहले तो आपको बताना है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ लेगा, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, बट इसने 2 क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। यहां से आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ओके बच्चा देखो, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और डिस्क्राइब द डिफरेंट चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वुमेन के अंदर। ओके चलो बच्चा पार्टी, रेडी हो आप लोग इसका आंसर जानने के लिए? आप देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट इन अ ह्यूमन फीमेल, बच्चा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इवेंट है ये किसके अंदर होता है? ह्यूमन फीमेल्स के अंदर होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 इयर्स। बच्चा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से तब गुजरने लगते हैं जब हम थोड़ा एडल्ट हो जाते हैं, जो हम 12-13 साल की, जरूरी नहीं बच्चा कि हर बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल से 12-13 साल की उम्र में ही गुजरेगा, किसी को 14-15 पे भी आता है, आई थिंक मेरे को तो आई थिंक 15-16 पे आया था, मैं बहुत लेट आई थी। देखते बच्चा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर देखा जाता है, विच स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 इयर्स। ये एक एवरेज इस एज निकाला गया कि इस एज पे आते आते हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से होने शुरू हो जाते हैं, एट वंस एट ऑफ प्यूबर्टी एंड स्टॉप एज द एज ऑफ 40-50। बच्चा ये एक प्यूबर्टी एज पर स्टार्ट होता है और 40-50 ईयर्स पे जाते जाते क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ओके, द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड अ मेनार्च। बच्चा जब हम पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारे बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्च बोलते हैं। ओके, व्हाइल द स्टॉपेज ऑफ फाइनल लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड अ मेनोपॉज। बच्चा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे होते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग टाइम होता है, जो स्टार्टिंग एज होता है, उसको बोला जाता है मेनार्च।
और जब फाइनली हम 40-50 इयर्स कंप्लीट करने को जाते हैं, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट एंडिंग पॉइंट पे होता है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28-30 डेज। बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन के अंदर चलता रहता है वो 28-30 डेज का होता है। ओके, विच कंप्लीट इन 3 स्टेज, जो 3 स्टेज में जाके कंप्लीट होता है। मैं अभी आपको 3 स्टेज के बारे में भी बताऊंगी, बट बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं मैं जो आपको इस चैप्टर 3 में जितने क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। ओके, बट इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बच्चा? एक इवेंट है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो होता है, वो एक एक्टिविटी है। उसके बाद ये 12-13 इयर्स के एज में स्टार्ट हो जाता है। ये पॉवर्टी एज होता है, जहां गर्ल्स की ग्रोइंग एज होती है, डेवलपमेंट का एज होता है। एंड ये स्टॉप होता है 40-50 इयर्स में। देन स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड अ मेनार्च। जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको मेनार्च बोलते हैं, और जो स्टॉपेज एज होता है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोलते हैं। और जो टाइम टेकन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो टाइम टेकन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो चक्र होता है बच्चा, वो 28-30 डेज का होता है। विच कंप्लीट इन 3 स्टेज, जो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। ओके, और बच्चा इसका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या है, डायग्राम है। ओके, क्या है बच्चा? ये डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है। ओके, ये एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के दौरान होता है, जब हमारा स्टेज इवेंट, मतलब देखो पहले तो ये डाउन टू अप जाता है, फिर डाउन अप, फिर डाउन हो जाता है, फिर ये एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है ओव्यूलेशन के दौरान। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तब ये हाई पोजिशन पे होता है, हाई रेंज पे होता है। ओके, अब आ जाओ बच्चा, अब आपको ड्रॉ अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफीन मेच्योर एंड मेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक। बच्चा आपको एक ग्राफीन का फॉलिस का मेच्योर मेंशन डायग्राम बनाना है। ओके, देखो एक मेच्योर ग्राफीन है क्या बच्चा? ए मेच्योर ग्राफीन फॉलिसल ओवम इज अ सेकेंडरी ओसाइट। बच्चा जो मेच्योर ग्राफीन फॉलिसल है उसको हम सेकेंडरी ओसाइट के नेम से भी जान सकते हैं। ओके, स्टेज बट अरेस्टेड इन मियोसिस सेकेंड। बट बच्चा ये कहाँ पे जाके कैप्चर, मतलब देखा जाता है ज्यादातर? मियोसिस सेकेंड स्टेज में जाके, ठीक है। इट फर्दर कम्प्लीट्स द मियोसिस सेकेंड विद एंट्री ऑफ स्पर्म। बच्चा ये फर्दर ही जब जाके कम्प्लीट होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म ओवम के अंदर जाता है। ये उस दौरान की बात है बच्चा, जब हम सेक्स करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, तब हमारे बॉडी के अंदर जो मेच्योर ग्राफिन है वो एकदम कैप्चर करने के लिए तैयार रहता है। नहीं कहते हंटिंग करने के लिए कोई तैयार, एकदम शिकार करने के लिए शेर, उसी प्रकार से तैयार रहता है। जैसे ही बॉयज का स्पर्म गर्ल्स के ओवम के अंदर जाता है, वैसे ही क्या कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है, और फ्यूज कराने के लिए बहुत सारे स्पर्म क्या करते हैं, घूमने लग जाते हैं, टेक प्लेस इनटू अ ओवम। ये अपना ओवम में क्या कर लेता है, स्पर्म जगह बना लेता है। दिस फॉर्मेशन मेच्योर ओवम विद सेकेंडरी पोलर बॉडी। और वही फॉर्मेशन, मेच्योर ओवम का फॉर्मेशन किसके साथ कहा जाता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी के साथ कराया जाता है। ओके, और ये इस ओवम के थ्रू, उस ओवम के थ्रू ये क्या है, एक मैच्योर ग्राफिन का डायग्राम है। ओके, चलो बच्चा पार्टी, अब हम बताएंगे आप लोगों को कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। बट गैमेटोजेनेसिस वाले जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। गैमेटोजेनेसिस क्या है बच्चा? ये एक प्रकार का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है गैमेट का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बच्चा पार्टी? ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मेल गैमेट का। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस सेल का काम करता है। ओजेनेसिस क्या करता है? ओवम की फॉर्मेशन देता है फीमेल गैमेट के अंदर। और ये क्या कहते हैं बच्चा, स्पर्म म्यूटेशन क्या है? ये रिलीज करता है स्पर्म को सेमीफियस ट्यूबल के अंदर। ओके बच्चा पार्टी, आज हमने चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लिया है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तब तक इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है और लर्न करना है, और बार बार लिख के राइट करना है। ओके, क्योंकि इन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, ठीक है बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।